कल हम लोगों ने बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था और इसके बाद में देखा था कि बैक्टीरिया किस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके जो अलग अलग मेथड थे, उसमें कल्टिवेशन था, ट्रांसफॉर्मेशन था, ट्रांसडक्शन था और लाइसोजेनिक था। तो ये चार प्रकार के हम लोगों ने कल बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी। आज हम उसी बैक्टीरिया का बाल नेश जिनमें कि सेल वाल नहीं पाई जाती, ये भी बैक्टीरिया ही हैं लेकिन जो सेल वाल नहीं पाई जाती है उनको ग्रुप 30 के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसमें मॉलिक्यूल्स को ग्रुप या समूह माइक्रोप्लाज्मा एमआईओ कहते हैं या माइक्रोप्लाज्मा।
फाइटोप्लाज्मा। तो है क्या ये फाइटोप्लाज्मा? बमन रोग कहते हैं।
माइक्रोप्लाज्मा की पहचान क्या है? क्या लक्षण है तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया शैवाल।
शेकेंडी का कैरेक्टर होता है कि इनके जो राइबोसोम फिलामेंटस शेप में इनकी लंबाई
बड़े को हिंदी में हम कह देते हैं मुकला।
को पा लिया जाता है या रोक लिया जाता है उसको हम कह देते हैं कंट्रोल। अगर जो हम डिजीज की बात करते हैं तो अगर जो हम सत्य सत्य से बीमारी को रोक लेते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि डिजीज की कंट्रोल की रोक रुक गया है, क्योंकि वो 100% एलिमिनेट हो गया है, 100% फिर से हटा दिया गया है। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा ये रोग